मोबाइल चार्जिंग पे लगाना था, वो मैंने लगा लिया जी। ग्लास ये कौन सी वाली फाइल है? इसमें 600 लाइंस हैं। पहले वाली फाइल को काट लें आप, जिस पे आपने पहले काम किया ये है। वही, हाँ उसी की फाइल है ना, ये किसी का फर्स्ट पेज था, ये मैंने ओपन किया हुआ था, किसी शेजाद का था और का शायद था ये। ये। हाँ मैंने ओपन किया था इसको, चलें छोड़ें इसको। ये हमारी फाइल ना, हेडिंग वाली, ये वाली ठीक है। जी सर, अभी ये हम ठीक यहाँ पे है। ये पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, और यहाँ पे लिखा है जी, दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट। कुछ बताएं यार इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी दिस नहीं इज है। माई फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ ऑफ किस चीज की है सर? टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर आई हाँ, अप्लाई, आगे जो भी आपने अप्लाई करना हो। अगर जो भी अपार्ट मैंने अप्लाई करना हो या जो भी, चले जी देखते हैं जी। इस पे हम ना अपना वो फर्स्ट लाइन जो है ना, उस पे अपनी, हमने ये पैराग्राफ लिखा है, इसी को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखते हैं जी ब्राउजर पे कैसा शो हो रहा है हमें, ये नीचे बैठा आ आ गया गया। ठीक जी। है, जो अब मैं कह बिया रहा नहीं हूँ कि किया जो है। फर्स्ट लाइन है ना, उसमें शुरू से स्पेस आ जाए। जो फर्स्ट लाइन है ना, ठीक है, मैं लिखता हूँ पी फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट इंडेंट अप्लाई कर देता हूँ, इंडेंट 1 सेंटीमीटर। अब पी की जहां जहां पे फर्स्ट लाइन आएगी ना, उसने उसकी एक ऐड कर देना है, 1 इंडेंट। 1 इंडेंट जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, वो अप्लाई कर देनी है उसने पी की। टेस्ट करें सर। मैंने रिफ्रेश किया लेकिन हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है, तो नीचे पी आपने 3-4 दफा किया ना, तो कोई वो फर्क नहीं सबको पड़ता, इकट्ठा करेगा अप्लाई। सबको करेगा, सबको करेगा, सबको करेगा वो ना। इसकी मैं और एक काम करता सर हूँ, इसकी इसको वैल्यू वैल्यू इंक्रीज करके देखें। इंक्रीज करके देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर करके देख लेते हैं हम। और यहाँ पे हम इसकी टेक्स्ट जो डेकोरेशन है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमारी, वो कर देते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन अब देखते हैं जी क्या ये हमारे उस ब्राउजर में चल रहा है, नहीं ये तो नहीं हुई, चेक कर लेते हैं जी क्यों नहीं अप्लाई हो रही है। पी कॉलन फर्स्ट लाइन, कहाँ गए हैं सब? सर सुन रहे हैं, ये सुन रहे देखिए हैं, देख रहे हैं, मैंने ठीक है, हो गया वो मैंने है। ये यस फर्स्ट लेटर किया है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर मेरा हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सर, फर्स्ट लेटर मेरा अपर हो, तो उसके लिए मैं कौन सी इसकी स्टाइलिंग करूंगा, टेक्स्ट, मैं चाह रहा हूँ मेरा अपर हो टेक्स्ट, इसका जो है ना फॉन्ट बड़ा हो जाए, अपर साइज हो जाए, उसके लिए मैंने बताया था आपको हम क्या यूज करेंगे। बेशक मैंने छोटा लिखा है, बड़ा कैपिटलाइज लिखा कैपिटलाइज कैपिटलाइज अपर केस। कैपिटलाइज ये एलिमेंट पूछते हैं, एट्रीब्यूट पूछते हैं सर, कौन सा लगाना है आपको? कर, हाँ यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज पूछनी है कौन सी अप्लाई करनी है।
ट्रांसफॉर्म वाली करनी है हमने, नहीं, हमने टेक्स्ट इसको ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज करना है, वही ना कैपिटलाइज करना टेक्स्ट है उसको। हाँ वेब स्टाइल बना के तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके फिर किस कर दें उसको। वही करना है ना इसको, ये ले, ये सिर्फ टी बड़ा हो जाएगा हमारा, जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। ये इस तरह से हमने इसको अंडरलाइन डन किया वाले तो, लेकिन ये तो अभी भी अंडरलाइन है। तो ये इसको डिलीट ही कर देना, डेकोरेशन खत्म को, कर, डेकोरेशन खत्म कर दी, कहानी खत्म हो गई। कहानी नहीं ना खत्म होगी, हमने ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो सारा कुछ, ये ले। ठीक टेक्स्ट डेकोरेशन, एक स्ट्राइक थी, एक नन थी और एक अंडरलाइन थी। नन नहीं होगी, नॉर्मल होगी फिर वो, क्या डिफॉल्ट थी, क्या थी वो भला? कैपिटलाइज कर दिया टैक्स डेकोरेशन जो है, हम इसकी तीन प्रॉपर्टीज हमने की थी, क्या कुछ किया था, किया था इसमें टैक्स डेकोरेशन। चले जी, नन नहीं करते हैं, लेकिन नन करने से हुआ नहीं है ये हमारा। किधर गए हैं सारे मैसेज, मुझे आ रहे हैं बिजी आप सारे मैं हैं। ही अभी नहीं सर, अभी तो हाँ अच्छा, ये जो है ना, ये हमने कर दिया इसको, दिस इज, वो देखें, वो जहां जहां पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, उसने उसका टी कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये हमने अप्लाई की है, सर। अभी क्या अप्लाई किया है, सूडो एलिमेंट, अच्छा सूडो एलिमेंट अभी हमने अप्लाई किया है।